यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले सल्ट से विधायक के निधन पर शोक जताया गया। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। ई ऑफिस को लेकर कैबिनेट में प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसके बाद ई प्रणाली को लागू करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही आवास नीति 2018 नियमावली में संशोधन किया गया है। महिलाओं को ऋण के लिए मंत्री परिषद की कमेटी की अध्यक्षता में महिलाओं को सह खातेदार बनाने के लिए फैसला लिया गया है। मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष होंगे और इस मामले में कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी। इसके साथ ही कर्मकारों के पंजीकरण के लिए फैसला लिया गया। पीएससी आरक्षी नियमावली 2018 में भी संशोधन किया गया। तो आपको बता दें, त्रिवेंद्र कैबिनेट के अहम फैसले। कैबिनेट के सामने कुल 13 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें 10 प्रस्ताव पर मोहर लगी। छात्राओं को मेधावी पुरस्कारों पर देने पर सहमति बनी है। अधिकतम अंक हासिल करने पर मिलेगा पुरस्कार। उसमें जो हमारी आवास नीति थी 2018 में आए थे, उस नीति में एक परेशानी आई थी कि जब वो हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट ने पूरी की पूरी राज्य में एक बैन लगा दिया था कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसे हम किसी भी रूप में उपयोग में नहीं ला सकते। फिर इसके लिए हमने 2020 में एक नियमावली लाए हम लोग, और इसके लिए एक नियमावली बना के हमने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब आज हम उसी जो नियमावली 2018 में थी, इसमें हम संशोधन लेकर आए हैं। इसमें जो EWS के लिए विशेष रूप से आई है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, इसके लिए क्या है कि कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आएगा, यदि वो अपनी ज़मीन पर बनाएगा तो पहले क्या था कि उसके लिए था कि वो इतना पैसा FD के रूप में गारंटी रखेगा। अब उसको गारंटी की ज़रूरत नहीं है, जिस भूमि में वो बना रहा है उस भूमि का जितने की वो है उसका 15% वो रखेगा। यदि बाई चांस वो भाग जाता है तो सारी भूमि पर, मकान पर गवर्नमेंट का एक तरह से आधिपत्य हो जाएगा। महत्वपूर्ण निर्णय था आज, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय लिया, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। हमारे यहाँ राज्य के अंदर महिलाएं बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं, लेकिन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी ये उनके संज्ञान में आया कि वो जब लोन के लिए जाती है तो उनको बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि राज्य के अंदर जो भूमि इत्यादि है वो पति के नाम रहती है। तो आज मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि हम एक मंत्रिपरिषद की कमेटी बनाकर, जिसमें चीफ सेक्रेटरी अध्यक्ष होंगे, राधा रतूड़ी जी सदस्य होंगे, लो सेक्रेटरी सदस्य होंगे, सुशील कुमार सदस्य होंगे, और यह निर्णय लिया गया कि आप तत्काल ये व्यवस्था करिए कि जो हमारी महिलाएं हैं वो सह खातेदार कैसे बने और कैसे उनको लोन की क्लियरिटी हो जाए, इसके लिए निर्देश दे दिए गए।